जगह पे, और इस जगह पे तो पूरी पानी की पानी की बरसात हो गई है, नदियां बह रही है भाई। फिलहाल देख सकते हो इस वाले अभी मॉडर्न जमाने में तुम्हारे भाई के घर पे आज भी भाई बल्ब जलता है भाई, आज भी देखो। ये गाड़ी देखो कैसे जा रही है भाई, साइड में ना थोड़ी थोड़ी सी 2 इंच का फर्क है भाई। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू भाई। ऐसे पुलिस वाले ना बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है कुछ इस तरीके से घर से। तो फिलहाल गाइस बहुत दिनों के बाद जो है मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, और किस लिए कर रहा हूँ गाइस, आज की जो व्लॉग होने वाली है वो मेरे पुराने वाले घर के बारे में हो रही है। और क्यों हो रही है, जो मैं आज मेरे पुराने घर की फुल्ली मेरा होम टूर दूंगा, और इसलिए गाइस आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना, और फिलहाल देखना कि तुम्हारा भाई कहाँ से उठ के आया है, किस जगह पे पहले रहता था। और फिलहाल किस लिए दिखाएंगे, क्योंकि बहुत ही जल्द हम लोग एक नया घर बनाएंगे भाई। तो फाइनली गाइस इस दिन का मैं बहुत ही ज्यादा इंतजार में था कि कब मैं एक छोटा सा प्यारा सा घर बनाऊंगा, और जहाँ पर मैं मेरे भाई को और मम्मी को लेकर साथ में रह सकता हूँ, ऐसा एक प्यारा सा घर बनाऊंगा। तो फाइनली जो है नया घर की शुरुआत हो चुकी है। तो फिलहाल आज जाएंगे अभी थोड़ा बाजार पे, जाने के बाद थोड़ा सामान वगैरह लाएंगे। किस लिए लाएंगे, क्योंकि भाई देखो परिवार पे जब आप बड़े होते हो तो आपके सर पे मतलब कि आपके कंधे पे बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारियां रहती है, तो इसके कारण जो है मेरे कंधे पे भी है। तो फिलहाल जो लोग फैमिली में बड़े हो वो लोग तो जानते हो कि बड़ा होना कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिलहाल अभी जाएंगे हम लोग घर पे, जाने के बाद पूजा वगैरह करवाएंगे, एंड छोटा सा एक राइड है। राइड करने के बाद हम लोग राइड करते हुए जाएंगे हम लोग जिरानिया पे, क्योंकि जिरानिया जाने के बाद ईंटें वगैरह भी लाना जरूरी है। तो हो सकता है कि सन्नी को भी लेके जाएंगे, और गाइस हो सकता है कि आज की ब्लॉग में जो है मेरी मम्मी को भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो फिलहाल गाइस इसलिए आज की ब्लॉग पे आप लोग एंड तक बने रहना, और इसके बाद छोटा सा एक पूजा होगा घर पे, उसके बाद नए घर की शुरुआत हो जाएगी, और पुराने वाले घर को भी हम लोग फाइनली तोड़ने वाले हैं। तो फिलहाल बिना टाइम वेस्ट के चलो चलते, क्योंकि भाई सुबह से ना इतनी ज्यादा तकरीबन बारिश हो रही थी। आप लोग जब मैं घर से बाहर निकलूंगा रोड पे, तब आप लोग देख सकते हो पानी वगैरह देखे कि कितना बारिश हुआ है। तो फिलहाल चलो चलते हैं, क्योंकि त्रिपुरा की मौसम अभी थोड़ी ठीक नहीं है, हर दिन बारिश 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 हो रही है, और इसके कारण व्लॉग बनाना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो फिलहाल चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ गाइस, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को भी ऑल पे सेट करना, क्योंकि नया जब वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और धीरे धीरे जो मैं मेरी पर्सनल लाइफ में जो किया हो रही है ना हो रही है वो भी यूट्यूब में शेयर करूंगा, तो प्लीज आप लोग इसलिए सपोर्ट करना। और ऐसे तो सपोर्ट कर ही रही हो भाई आप लोग, भाई पहले से बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, तो जैसे ही कर रहे हो वैसे ही सपोर्ट चाहिए आप लोगों की। तो फिलहाल चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, बहुत देर से बात ही कर रहे हैं, तो चलो चलते हैं। फिलहाल गाइस देख सकते हो हमारे बाइक को यहाँ पर लगा दिया था कोल्ड स्टार्ट होने के लिए, और भाई साहब इसको मैं बहुत दिनों के बाद आज चलाऊंगा भाई साहब। तो फाइनली बहुत सारे लोग अभी इस टाइम मोटो ब्लॉगिंग को मिस कर रहे हैं भाई। फिलहाल गाइस अभी मैं आ चुका हूँ कुछ इस तरह की जगह पे, और इस जगह पे तो पूरी पानी की पानी की बरसात हो गई है, नदियाँ बह रही है भाई, कैसे जाऊँ मैं कर देख सकते हो कितना ज़्यादा तकलीफ बारिश हुआ है, कहीं मैं गिर ना जाऊँ भाई साहब, कितनी ज़्यादा तकलीफ बारिश हुई आप लोग देख पा रहे हो। बस जगह जगह ना गड्ढे में पानी जमा हो गया भाई, एकदम नदी जैसा हो गया छोटा सा भाई, देख सकते हो भाई मिनी लद्दाख बन गया भाई, मिनी लद्दाख भाई हमारी चंद्रपुर। तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मेन रोड पे, और यहाँ पर मस्त नो एंट्री लगी है भाई, और खासी मेला भी स्टार्ट हो चुकी है भाई। तो आप लोग कौन कौन खासी मेला होके आए हो प्लीज़ मुझे बता देना, और त्रिपुरा का सबसे बड़ा मेला खासी भी स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए जगह जगह पर बहुत ही ज़्यादा पुलिस वगैरह की बड़ी सिक्योरिटी है। तो फिलहाल फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए पेट्रोल पम्प पे, देख सकते हो भाई, भाई मैं तो एकदम डर गया था कि मैं जा भी पाऊँगा या ना जा पाऊँगा भाई, लेकिन फाइनली तुम्हारा भाई पहुंच चुका है पेट्रोल पंप पे। दिखा ले दोनों, वो फाइनली गाइस हमारे बाइक पे पेट्रोल फाइनली घुस चुका है, और फिलहाल अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा बाजार पे सामान वगैरह लेके भाई सीधा जाएंगे घर पे। तो फिलहाल गाइस मैं अभी आ चुका था घर पे, आप लोग देख पा रहे हो, और अभी मैं थोड़ा नहा लिया था क्योंकि पूजा मुझे ही देना पड़ेगा मम्मी ने बोला। तो फिलहाल देख सकते हो तुम्हारे भाई ने अभी गामोछा पहना है गामोछा, तो फिलहाल देख सकते हो पीछे मेरा घर है, और ये थोड़ा रेड कलर का कपड़ा है, तो फिलहाल इसको एक बेम्बू पे बांध के जो पूजा है वो होगा। तो फिलहाल चलो आप लोग देखो सिनेमेटिक में, देखने के बाद पूजा खत्म करके आप लोगों से होम टूर के बारे में बात करेंगे, होम टूर देंगे फुल्ली। तो फिलहाल चलो इसको बांधते हैं, पूजा वगैरह देते हैं।
तो फिलहाल गाइस देख पा रहे हो कि जो घर का पूजा है वो खत्म हो चुकी है और आ चुकी है यहाँ पर प्रसाद। तो प्रसाद को खाने के बाद हम लोग जाएंगे अभी जीरानिया पे। तो फिलहाल देख सकते हो ये जो मेरे पीछे पुराना घर है इसको मैं तोड़ के कुछ दिनों के बाद जो है नया घर एक बनाऊंगा। तो फिलहाल चलो अभी आप लोगों को होम का टूर देते हैं मेरा। तो फिलहाल देख सकते हो गाइस ये है हमारा घर और देख सकते हो हमारा जो उस वाला सामने का पेड़ है इस पेड़ से हमारी घर की पूरी बाउंड्री है, मतलब कि हमारा जो टोटल प्लॉट है उस वाले कटा हुआ पेड़ तक है, इस वाले कटा हुआ पेड़ तक। तो फिलहाल देख सकते हो जो हमारी घर ये है और ये चाचा जी का घर है। तो फिलहाल चाचा जी और हमारे बीच बाद में जो बंटवारा होगा, तो फिलहाल चलो जो भी है। तो ये देख सकते हो इस वाले घर पे मैं पहले रहता था और मेरी बचपन भी बीती है इस वाले घर पे। तो फिलहाल गाइस देखो यहाँ पर मेरी जो पढ़ाई की सारी बुक वगैरह रहती थी और फिलहाल हम लोग इस पे टीवी वगैरह देखते थे सभी लोग मिलके। और इस बिस्तर पे मेरे मम्मी और पापा और मेरे छोटे भाई रहते थे। और अभी चलते हैं मेरे रूम पे। तो यहाँ पर थोड़ा अंधेरा होगा क्योंकि मैं हर वक्त भाई थोड़ा अंधेरा में रहता था। तो फिलहाल देख सकते हो गाइस ये मेरा रूम था। तो फिलहाल देख सकते हो इस रूम की हालत तो ये भी बिगड़ी हुई है क्योंकि जो बाहर का हम लोगों का एक किचन था, मतलब कि बंगाली में बोलते हैं रान्ना घर, तो रान्ना घरटा तोड़ के हम लोग यहाँ पर लाए थे कुछ सामान वगैरह जो किचन का सामान था। तो फिलहाल देख सकते हो यहाँ पर मैं रहता था। और ये जो पीछे आप लोग देख सकते हो ये ब्लैक कलर के जो पर्दा है इस पे पहले मैं वीडियो बनाया करता था। और फिलहाल देख सकते हो इस वाले बिस्तर पे तुम्हारा भाई रहता था। और फिलहाल देख सकते हो इस वाले अभी मॉडर्न जमाने पे तुम्हारे भाई के घर पे आज भी भाई बल्ब जलता है भाई, आज भी देखो। और ये रहा हमारा फैन जो गर्मी लगती थी तो मैं इसको चलाता था। तो फिलहाल ये देख सकते हो ये है मेरा घर और यहाँ पर सनी खड़ा हुआ है भाई। तो कुछ ही दिन में ये नया घर पे रहने वाला है। तो फिलहाल देख सकते हो तुम्हारी भाई की फुल्ली घर की टूर में अभी दे चुका हूँ कंप्लीट। और फिलहाल मैं और सनी अभी जाएंगे ईटे वगैरह लाने के लिए। तो फिलहाल गाइस तुम्हारा भाई घर से निकल के अभी घर का होम टूर दे के अभी आ चुका है कुछ इस तरह की जगह पे। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं ओल्ड अगरतला होते हुए जीरानिया। तो होम टूर कैसा लगा भाई कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। देख रहे हो मैं कहाँ पर पहले रहता था भाई। तो फाइनली उस घर को ना मेरे पिताजी ने बहुत ही मेहनत करके भाई खून पसीना के मेहनत से बनाया था। और मेरे पिताजी ना भाई कोई बिजनेसमैन नहीं थे भाई, मेरे पिताजी नॉर्मल एक कारपेंटर वगैरह कारपेंटर थे। तो फिलहाल कह सकते हो कि इतना मेहनत करके पिताजी ने आज से तकरीबन 10 साल पहले ये घर बनाया था। तो फिलहाल जो है मैंने अभी इस घर को तोड़ के नया सा घर बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो फिलहाल आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना। तो फाइनली गाइस खर्ची मेला भी स्टार्ट हो चुकी है और अभी हम लोग आ चुके हैं खर्ची मेला पे। आप लोग देख पा रहे हो भाई तो यहाँ पर बहुत ही तगड़ी भीड़ है भाई। तो फिलहाल अभी हम लोग जाएंगे इस तरफ से। सर आमेर बाड़ी यदि है विद्यनगर सर सामने। अच्छा अच्छा तो फिलहाल पुलिस वाले ने घुसने नहीं दिया भाई। तो मंदिर पे बहुत ही ज़्यादा जाम वगैरह हो जाती है लोगों की तो इसलिए घुसने नहीं दिया। और अभी हम लोग जा रहे हैं इस तरह से भाई, थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा अभी इस वक्त। तो फिलहाल चलो फिर भी जाते हैं घूम के क्योंकि जाना तो पड़ेगा ही। आई साहब देख रहे हो कितनी लोगों की भीड़ है और पुलिस वाले ने हमको इधर से घुसने नहीं दिया भाई। और यहाँ पर तो बोटिंग चल रही है भाई मस्त। तो इस तरफ से जाना पड़ेगा भाई। तो फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं कुछ इस तरह किसी गलियों में क्योंकि पुलिस वाले ने हमको उधर से घुसने नहीं दिया। लेकिन और बाइक्स वाले जा रहे थे उस गली से मंदिर के सामने से, तो और बाइक्स जा रहे थे लेकिन हमको घुसने के लिए नहीं दिया। वो लोग ना ऐसे बाइकर्स को देखते हैं तो ब्लॉगिंग बनाते हुए, तो वो लोग ना ऐसे ही करते हैं भाई, हर जगह पर ऐसे करते हैं भाई। पता नहीं बाइकर को समझते क्या है लोग भाई। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं कुछ इस तरह किसी जगह पर और नीचे देख सकते हो भाई रिवर। और ये गाड़ी देखो कैसे जा रही है भाई, साइड पर ना थोड़ी सी 2 इंच का फर्क है भाई। कितना तगड़ी ड्राइवर है देख सकते हो भाई, भयंकर कितना ज़्यादा तगड़ी। पानी हो चुकी है यार, मेरा पैर एकदम गीला हो चुकी है भाई बारिश के पानी से भाई, बार बार मेरे पैर पे आके पानी गिरती है भाई। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू भाई। ऐसे पुलिस वाला ना बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। पुलिस वाला ने ना फाइनली जो सामने से गाड़ी आ रहा था उन लोगों को ऐसे हाथ दिखा के रुकवा दिया भाई एंड हमको जाने दिया भाई। ऐसे पुलिस वालों को बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट करने के लिए मन करता है भाई।
तो फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं कुछ इस तरह से जगह पे, और यहाँ पर मेरे मामा का घर है, और ये देख सकते हो जो ओनिक्स ब्लॉग्स है, ओनिक्स ब्लॉग्स का ढाबा देख सकते हो यहाँ पर है। तो फिलहाल बाद में ओनिक्स ब्लॉग के साथ आएंगे हम लोग मीट करने के लिए। तो ओनिक्स ब्लॉग जो है वो मेरे स्पेशली मामा भी लगते हैं। तो फिलहाल चलो चलते हैं और रोड का मजा लेते लेते हम लोग पहुँचते हैं जीरानिया। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं जहाँ से ईंट ले जाने के लिए आते हैं लोग। तो फिलहाल यहाँ पर जाके बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या सीन रहती है।